हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपको एक रेसिपी बताऊंगी, वो है एक इंस्टेंट रेसिपी जो कि नाश्ते में आप सोच रहे हो क्या खाएं, चटपटा सा ऐसे करके। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज मशरूम टिक्का, तो जो कि क्विक और बहुत अच्छे से और बहुत टेस्टी बनता है। तो उसके लिए जो ये स्टिक होती है ना, ये जो स्टिक होती हैं जिसमें हम मशरूम्स को लगा के और सेकेंगे, ये होती है, ये मेरे को मिली थी लकड़ी वाली, वुड वाली, ठीक है, लोहे की नहीं मिली थी। तो इसको हम पहले पानी में डालेंगे, ठीक है, ताकि ये जले नहीं। अगर आप ऐसे ही सेकेंगे ना इसको, ठीक है, तो ये जल जाएंगी। और इसमें अगर इसने वाटर ऑब्जॉर्व कर लिया ना, तो ये जलती नहीं है, कम जलती हैं, जलती हैं बट ज़्यादा नहीं जलेंगी, ठीक है। तो हमने इतनी काफ़ी होंगी, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए, कम से कम 15-20 मिनट के लिए इसको पानी में ही छोड़ देते। और इधर मैंने रेफ्रिजरेशन की है, तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच बेसन को रोस्ट कर लिया है, ठीक है। अब ये ठंडा हो रहा है, गर्म है बहुत। अरे अरे अरे, उसिया की अपनी एक्टिविटी चल रही है, ये यहाँ पे खिसका के ले आती है। छोटे वाले मोड़ा नहीं मिला था कि जो ऑटोमन लेके आ गई, आजकल ऑटोमन ला रही है ये। हाँ, उधर देखो, उधर उधर, हेलो करो, हेलो, हाय करो, हाय हाय करो, हाय। अब इसमें भी जंप करोगी तो गिरोगी ना, कल सिया गिर गई थी तो लग गई उसको। और ये मैंने दही, दही को ऐसे कर दिया, इसका जो पानी है ना, एक्स्ट्रा पानी निकल गया है, तो ये थिक हो गया है ना, कर्ड जो है ये कर्ड हो गया। और सिया मांग रही है इनको खेलने के लिए, चाहिए। दिखा दो, आप दिखा दो, भैया को दिखा दो, ये दिखा दो, ये दिखा दो, क्या ये, दिखा क्या ये, क्या है, स्टिक है बेटा, स्टिक, स्टिक। अब फोन चाहिए आपको? अरे नहीं नहीं, इसको देखना है व्यू कैसा होता है। ओ सिया, सिया है ये। हमने लिया है मशरूम, मशरूम को हम, मैंने 3 पैकेट मशरूम्स लिए हैं और इसे मैं क्लीन करेंगे। तो ये मैं आटा डालूंगी इसके ऊपर ऐसे, और पानी डाल के और इसको अच्छे से रब करके ऐसे करके, और मैं इसको क्लीन कर लूंगी, ठीक है ना। तो इससे अच्छे से जो भी ये कालापन और जैसे भी होता है ना, सब अच्छे से क्लीन हो जाते हैं इसमें। तो मैं इसको ऐसे क्लीन कर लूंगी। और यहाँ पे मैंने रख दिया है पानी बॉयल होने के लिए, ठीक है। तो इसमें मैं मशरूम बॉईल करूंगी, हल्दी थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे हम इसके अंदर, और इसके अंदर डालेंगे वाइट विनेगर 1 चम्मच, ठीक है, थोड़ा सा वाइट विनेगर 1 चम्मच, बड़ा चम्मच। और थोड़ा सा नमक मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, क्योंकि हम उसमें जब मसाला लगाएंगे तो उसमें भी डालेंगे, तो इसमें हमने थोड़ा सा डाल दिया है नमक। और अब डालेंगे वाइट विनेगर जो होता है ना, ये वाला जो है नॉर्मल वाला, जो कि हर चीज़ में खाया जाता है वो वाला। और अब मैं डाल दूंगी ये मशरूम्स, और मशरूम को इसको डालने के बाद ना, हम इसे 5 मिनट तक बॉईल कर लेंगे, 4 से 5 मिनट तक हम इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे। ये देखिए मशरूम्स बॉईल हो गए हैं, और ये इतना ही मैंने इसको 5 से 6 मिनट तक बॉईल किया है, देखिए बॉईल हो गया। अब इसे हम छान लेंगे। हमने योगर्ट लिया था, तो ये अब योगर्ट ले लेंगे हम, जिसका पानी मैंने निकाल दिया था छन्नी पे, देखिए ये छन्नी पे मैंने रख दिया था, तो जिससे एक्स्ट्रा पानी जो था ना वो सारा निकल गया। तो इसको ले लेंगे थिक योगर्ट, और ये है हींग, भुना हुआ जीरा, नमक, नमक हमने उबालते टाइम भी डाला था, और कश्मीरी लाल मिर्च, तो ये इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च, अब
अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं हम इसमें, पर मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट तो नहीं है इसलिए मैंने सिर्फ अदरक डाला है और ये हरी मिर्च, और इसमें जाएगा हरा धनिया, हरा धनिया डालेंगे। और इसमें जाएगा सरसों का तेल जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और हम इसमें डालेंगे जो ये हमने बेसन को भून के रखा था ना, 2 से 3 चम्मच हम ये बेसन डालेंगे आपकी क्वांटिटी के हिसाब से कि कितना है, ठीक है ना, उसके हिसाब से डालेंगे। और इसमें डालेंगे हम ये ये मेरा मिर्च के अचार का मसाला है। आप ना कोई भी मिक्स पिकलो, जैसे मिक्स होता है ना, मिक्स अचार होता है उसका हो, या मिर्च का हो, या आम का हो, कोई भी अचार का मसाला डालेंगे तो ये अचारी फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो थोड़ा सा मैंने ये इसको मिक्स कर दिया। अब इसको सब मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, है ना। और इसको कहते हैं बेसन डालने से जो थिकनेस आती है ना, देखिए आप जो थिकनेस आती है वो तो बहुत ही कमाल की होती है। तो ये अच्छे से कोट हो जाता है, इसमें अच्छे से लग जाता है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ठीक है ना। तो मैं इसमें अब ये मशरूम जो कि था, तो मैं इसका पानी ऐसे स्कूप करके इसका पानी इसमें डालूंगी, इसको डाल दूंगी ऐसे सारे मशरूम। और मशरूम के बाद ये हम थोड़े से डालेंगे शिमला मिर्च। वैसे तो मैं सिर्फ मशरूम का ही बना रही थी, पर आशीष को ये अनियन और शिमला मिर्च बहुत अच्छे लगते हैं, और अंश कह रहा था कि उसको ना क्या कहते हैं पनीर भी चाहिए। तो अब ये मिक्स टिक्का हो गया, सिर्फ मशरूम का तो नहीं कह सकते हैं, बट हाँ मिक्स हो गया है, ठीक है। तो पहले मैं इसे चला लेती हूँ, पनीर का सॉफ्ट होता है तो थोड़ा टूट ना जाए, इसलिए मैं पहले इसे मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से, है ना। देखिए कितना अच्छे से ये सब इस पे हो जाएगा। और ये हमने सब अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये कितना अच्छा, उसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है मैं बता नहीं सकती आपको, ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये इतने इंस्टेंट बनता है ना, बहुत जल्दी, और कुछ चटपटा खाने का मन हो तो आप इसे ज़रूर खाइए, बनाइए, है ना। अब मैं इसे छोड़ दूँगी और ये मैंने पानी से निकाल लिया है और आप देख सकते हैं। और अब हम इसमें एक एक करके ये पहले तो ये अनियन लगाएंगे इसमें, ठीक है। अनियन लगा सकते हैं, मशरूम लगा सकते हैं, हम एक एक करके ऐसे स्क्वीज करेंगे, ठीक है, और ऐसे करके इसमें इस तरीके से और ये ऐसे बन गया है। अब मैं इसको सेकूंगी, फ्लेम चला लिया है मीडियम, और ये हम एक एक उठाएंगे और इसको ऐसे सेकेंगे। ऐसे ना स्मोकी फ्लेवर भी आएगा इसका सेकेंगे ना, अच्छा सा। और ये हमने कर लिया है, ये देखिए ये कितना यम गया, जो हमने बाउल लिया था जिसमें हमने किया था हम उसी में वो करेंगे। और अब हम डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला और हल्का सा नींबू स्क्वीज करेंगे जितना आपको चाहिए, और इसको हम
मिक्स कर लेते हैं, है ना, सर्व करने के लिए। अब हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हम सर्व करेंगे ये कुछ अनियंस के साथ, और ये हम डालेंगे दही वाली चटनी, और ये आज का अब मैं ये दिखा के आती हूँ आशीष को कि टेस्ट भी कैसा है। टेस्ट करके बताओ कैसा है। नहीं खा के तरह टेस्ट करके बताओ। बना तो बढ़िया है। सही है। टेस्टी तो है। बढ़िया। और मैंने इसमें मिक्स भी किया, सिर्फ मशरूम का ही नहीं बनाया है, मैंने सारी चीजें भी डाली है। पनीर भी है, अनियन भी है, पनीर भी डाला है मैंने। आप खाओगे? टेस्ट करके बताओ मेरे को कैसा लग रहा है इसमें वैसे करके फ्लेवर। बहुत बढ़िया है। आप खाओगे? ओके। आप कैसे खिलाओगे? गिर जाएगा सारा। नो। जाना गिर जाएगा ना। अब सिया जिद कर रही है कि उसे खिलाना है, खिलाना है, दे दो ना, खिला लेगी, दे दो। ये हमेशा जिद करती है ऐसी करके, गिराएगी। आपको डिप करना नहीं आएगा ना। हेलो, ओके गाइज, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। बाय कर दो शिव, बाय कर दो, बाय करो।